तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे, ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे, बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग की छाप है। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। मंच से बेहुदा फूहड़ और नफरती भाषण देना मोदी की आदत है। सत्ता पाने के लिए ये शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। देश में हिंसा और नफरत फैलाकर ये शख्स चुनाव जीतना चाहता था, लेकिन जनता ने इस नफरती तानाशाह को उसकी हैसियत दिखा दी। खुद को भगवान बताने वाला आज बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने को मजबूर है। जो संविधान को बदलना चाहता था, आज वो संविधान को माथे से लगा रहा है। जो मोदी मोदी का जाप करता था, आज वो एनडीए एनडीए की माला जप रहा है। गठजोड़ कर भले ही ये शख्स तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन देश की जनता ने इसे नाकार दिया है। भारत नहीं चाहता कि ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री बने। इस शख्स ने किसानों को मारा, युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, महिलाओं से बलात्कार करने वालों को बचाया, बुजुर्गों को रुलाया, दलित पिछड़े और आदिवासियों पर अत्याचार किया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला, जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराया। पिछले 10 सालों में इस शख्स ने देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। पीएम केयर्स फंड का करोड़ों रुपए अपनी अय्याशी पर उड़ाया। गरीबों का पैसा अडानी को थमा दिया। देश के सारे भ्रष्ट नेताओं को अपनी वॉशिंग मशीन में धोया। धर्म के नाम पर देश को बांट दिया। भाई से भाई को लड़ाया। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। दुनिया भर में हिंदुस्तान की थू-थू कराई, मजाक बनाया, हंसी उड़ाई। यही कारण है कि देश की जनता ने इस प्रचार मंत्री को सत्ता से बाहर किया है। वो बात अलग है कि तोड़फोड़ और गठजोड़ कर ये शख्स फिर सत्ता का सुख भोगना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। वक्त का पहिया कब, कहां और कैसे घूम जाए, ये किसी को नहीं पता।